बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है। यहाँ मतगणना के दिन 2 किलोमीटर दूर तक नहीं लग सकेगी भीड़। सराय मीरा तिरवा क्रॉसिंग और पूर्वी बाईपास से नहीं होगी आमजन की एंट्री। अधिकृत लोग ही इस दायरे के अंदर से होकर जा सकेंगे। मतगणना स्थल इमरजेंसी वाहनों को छोड़ बाकी वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से रहेगी पाबंदी। SP अमित कुमार आनंद बोले, शांतिपूर्वक संपन्न होगी मतगणना। QRT को सौंपी गई भीड़ जमा न होने देने की जिम्मेदारी। गड़बड़ी करने वालों पर SP ने सख्त कार्रवाई की बात कही। पुलिस ऑफिस में SP ने प्रेस वार्ता कर बताई मतदान को लेकर की गई तैयारी। सपा भाजपा समर्थकों में टकराव की आशंका के चलते हाई अलर्ट मोड पर है पुलिस महकमा। 4 जून को मतगणना है, जिसके दृष्टिगत जनपद कन्नौज में प्रॉपर तैयारियां की गई है। पर्याप्त पुलिस बल लगाए गए, जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट चौराहे हैं और इम्पोर्टेंट जगह है वहाँ पर हम लोगों ने बैरियर्स लगाए। काउंटिंग स्थल से लगभग 1 से 2 किलोमीटर की रेंज में विभिन्न जगहों पर हम लोग पर्याप्त बैरियर्स लगाए थे। वहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है, जिसमें हम लोगों ने इस तरह से डिप्लॉयमेंट किया कि कहीं पर भी भीड़ को इकट्ठा ना होने दिया। अगर कहीं भीड़ इकट्ठा होती है तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हमारी सोशल मीडिया पे भी मॉनिटरिंग रहेगी। कहीं पर भी कोई व्यक्ति अगर कोई भ्रामक खबर या अफवाह फैलाता है तो उसके विरुद्ध भी कठोरतर कार्रवाई की जाएगी। और लगातार चेकिंग अभियान चलाया जाएगा कि हम लोग सकुशल काउंटिंग को संपन्न करा सकें। इसके अलावा विस्तृत ट्रैफिक व्यवस्था की गई है हमारे जनपद में, जहाँ तिरवा क्रॉसिंग और दूसरी तरफ पूरी बाईपास एरिया से केवल अधिकृत जो व्यक्ति है उन्हीं को ही काउंटिंग स्थल तक आने की अनुमति मिलेगी। इसमें जो काउंटिंग एजेंट है पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के जो व्यक्ति काउंटिंग व्यवस्था में लगे हैं उनका अलाउ किया जाएगा। मीडिया कर्मी जिनके पास पासेज अलाउड है उनको आना अलाउड रहेगा। इसके अलावा जो इमरजेंसी व्हीकल्स है, आवश्यक वस्तुओं के व्हीकल्स हैं, एम्बुलेंस, उनको चेक करने के बाद अलाउ किया जाएगा। हैवी व्हीकल मूवमेंट को हम लोग जलालपुर फलवारा मकरंद नगर तिराहा और पाल चौराहा से डाइवर्ट किया जाएगा कि किसी प्रकार से अनधिकृत कोई बड़े वाहन इस एरिया में ना आ जाए। पार्किंग व्यवस्था भी पर्याप्त मात्रा में की गई है। जो तिरवा क्रॉसिंग साइड से जो लोग आएंगे, जो अधिकृत व्यक्ति आ रहे हैं, उनके लिए विजय विलास होटल के सामने पार्किंग बनाई गई है, वहाँ पर पार्किंग की जाएगी। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल साइड से आ रहे हैं उनके लिए पुराने पुल के नीचे पार्किंग बनाई गई है। इन पॉइंट्स के बाद परमानेंट बैरिकेडिंग की गई है। इन पॉइंट्स के आगे केवल पैदल जाया जा सकता है, इसके आगे व्हीकल्स अलाउड नहीं रहेंगे। जो काउंटिंग सेल है उसमें 2 गेट है, गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2। गेट नंबर 2 से छिद्रमऊ AC के जो जो संबंधित जो काउंटिंग एजेंट्स हैं पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के काउंटिंग से संबंधित पर्सनल हैं उनकी एंट्री अलाउड होगी। इसके अलावा गेट नंबर 1 से कन्नौज और तिरवा AC के जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सनल हैं, काउंटिंग एजेंट्स हैं, मीडिया कर्मी हैं, इनकी एंट्री अलाउड की जाएगी। बस स्टेशन के ऑपरेशन में थोड़े चेंजेस किए गए हैं। बस स्टेशन 4 तारीख को जो रोडवेज का वर्कशॉप है वहाँ से ऑपरेट किया जाएगा। रेलवे स्टेशन के ऑपरेशन में ये चेंज है कि जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 साइड है वहाँ से एंट्री एग्जिट 1 रहेगी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 साइड से यात्रियों को आना जाना करना पड़ेगा। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का ऑपरेशन है वो अफेक्ट नहीं किया जा रहा है, वहाँ पर लोग डायरेक्ट पाल चौराहे के माध्यम से जाया जा सके। इसके बाद भी अगर तिरवा साइड क्रॉसिंग साइड से अगर कोई एम्बुलेंस या कोई इमरजेंसी व्हीकल आता है तो उसको पास करने दिया जाएगा। विस्तृत प्लान बनाया गया है और ट्रैफिक डाइवर्जन्स भी किया गया और इस प्रकार से बनाया कि किसी भी प्रकार से व्यक्ति को असुविधा ना हो और हम लोग प्रॉपर चेकिंग कर सकें और सब कुछ काउंटिंग को संपन्न करें। सर, साइड से मतगणना स्थल तक कितने बैरियर बनाए गए? इसमें कई बैरियर्स बनाए गए हैं तिरवा क्रॉसिंग से लेकर और वहाँ पे पूरे शहर में अंदर 1 से 2 किलोमीटर के रेंज में करीब 10 से 12 बैरियर्स डिप्लॉय किए गए हैं जहाँ पर लोगों की चेकिंग की गई है। सर, कितना फोर्स तैनात रहेगा? हमारे पूरे इस काउंटिंग व्यवस्था को सफिशेंट संपन्न कराने के लिए 1000+ पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया। इसके अतिरिक्त 1 कंपनी PAC और 2 कंपनी CPF का भी डिप्लॉयमेंट किया गया। सर, गर्मी से गर्मियों को बचाने के लिए चिंता की है? गर्मी इस समय बहुत तेज है, जिसके दृष्टिगत पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है। हम लोगों ने जहाँ पर हमारी फोर्स ड्यूटी कर ली है जहाँ पर शेड अवेलेबल है वहाँ पर हमने टेंटेज लगाए गए हैं। इसके अलावा उनकी फूडिंग का अरेंजमेंट्स किया गया है
पर्याप्त पानी अवेलेबल रहे, इसकी व्यवस्था की गई है, लगातार हमारे ट्यूब्स अवेलेबल रहे थे, वो जितने भी हमारे ड्यूटी पॉइंट्स हैं वहाँ पे मोटर अवेलेबल कराते रहे थे। इसके अलावा ओआरएस भी सभी हमारे पुलिस कर्मियों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और तीन पॉइंट्स पे हमने एम्बुलेंसेज का डिप्लॉयमेंट किया है कि अगर कोई एमरजेंसी सिंपल हो गया तो वहाँ पर अटेंड किया जा सके। सर किस समय तक मतलब स्थल पर जो है एजेंट पहुँच सकेंगे? इसमें जो उनको खुद ही स्वयं क्योंकि शुरू हो जाएगी काउंटिंग, काउंटिंग से पहले उन्हें पहुँच जाना है। कल इनके साथ मीटिंग की गई है, जितने भी प्रत्याशियों के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने बताया कि हम लोग 7:30 बजे तक अपने सभी एजेंट्स को पहुँच देंगे। सर भीड़ को रोकने के लिए काफ़ी व्यवस्था तो आप लोगों की तरफ से की गई है, अगर भीड़ फिर भी बढ़ती है तो क्या बल्ब रोक करके उनको हटाया जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा, कोई सब हमारे पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है। ये जितनी हमारी चेकिंग ड्यूटी है, इसके अलावा हमारी QRTs भी बनाई गई है जो लगातार मूवमेंट में रहेंगी शहर भर में, और कहीं पे भी अगर भीड़ इकट्ठा हुए देखती है तो QRT तुरंत वहाँ पर पहुँच के आवश्यक कार्रवाई करेगी। इसके अलावा पूरे जनपद में भी जितने भी हमारे संवेदनशील स्थान है वहाँ पर हमारे हॉटस्पॉट्स को चिन्हित करके वहाँ पर पुलिस को तैनात किया जाएगा।